आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा अपने वायरल वीडियो के लिए जगह जगह माफी मांगते फिर रहे हैं। संत हिरदाराम नगर में सर्व हिंदू समाज के सम्मेलन में भी उन्होंने सिंधी समाज से माफी मांगी। संत नगर में बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा, मेरा ऑडियो फर्जी था, फिर भी समाज से माफी मांग चुका हूँ। आज फिर मैं माफी मांगता हूँ। मैं उस मंच से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूं जहां उन्हें भला बुरा कहा जा रहा है। रामेश्वर ने कहा, संत हिरदाराम जी साहिब के आशीर्वाद उनको आराध्य मानकर हिंदू एकता के लिए काम करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। मैंने जो मेरा आईडी नहीं होने के बावजूद भी सिंधी समाज से माफ़ी मांगी है, आज मैं पुनः समाज को गंगा रूपी मानकर माफ़ी मांगता हूँ और सिंधी समाज के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो नहीं कहा फिर भी मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के सब भाई बहन इस बात को स्वीकार करेंगे और हिंदू एकता के परिचय देने में मेरा सहयोग करेंगे और अगर कहीं मुझसे भूल चूक हुई है तो समाज मुझे माफ़ करे। जिम्मेदार हिंदू होने के नाते उस समाज से मैं भी उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर उनकी बात से किसी तरह का उनको बुरा लगा है तो हम पूरे हिंदू समाज और मैं ये जानता हूँ कि परिवार है, परिवार में अगर थोड़ा बहुत कहा सुनी जैसे कि किचन में बर्तनों की आवाज़ आती है, इस तरह के बर्तनों की आवाज़ आई और दूसरे लोगों ने उन धर्मियों ने हिंदू विरोधी ताकतों ने इस चीज़ का पूरा फायदा उठाना चाहा, हम परिवार में बैठ के उस बात को हमने खत्म कर लिया है और आगे भी जो है वो भी खत्म कर ली जाएगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है, हिंदू समाज को बांटकर राजनीति करने वालों के खिलाफ सर्व हिंदू समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।